नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेन्यू का एस वेरिएंट, पेट्रोल में है। इसमें बताऊंगा भाई कंपनी क्या कुछ फीचर ऑफर करती है, 2023 के अंदर कुछ इसमें चेंज किया है या फिर भाई वही पहले जैसा ही है सारा कुछ। इसकी कीमत भी बताऊंगा कितना इसका एक्सोरूम कीमत है। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पे इसमें जो ग्रिल दी गई है वो मिल जाएगी डार्क क्रोम के साथ, बीच में हुंडई का बड़ा सा ये लोगो, नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट मिलेगी सिल्वर कलर में, नीचे वाली ग्रिल भी मिल जाएगी ब्लैक कलर में, फॉग लैंप यहाँ भी भाई नहीं मिलेंगे आपको, और जो इसमें हेडलैम्प दिया गया है वो है पूरा हैलोजन, एल वगैरह नहीं है इस वाले वेरिएंट में। सिंगल यहाँ पे बल्ब मिलेगा, हाई बीम लो बीम का काम यही करेगा। नीचे यहाँ पे पार्किंग बल्ब दिया गया है, यहाँ पे मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, ये भी हैलोजन है, और ये साइड में यहाँ पे रिफ्लेक्टर। तो ये था भाई इसका फ्रंट। अब बात करो इसके साइड प्रोफाइल की, तो इसमें जो टायर दिए गए हैं वो मिल जाएंगे भाई 15 इंच के, 195/65 टायर, 15 टायर का प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का इसके ऊपर कवर मिलेगा और ब्लैक कलर के मिल जाएंगे इसमें ये स्टील रिम, और भाई फ्रंट में इसमें डिस्क मिलेंगे, पीछे मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक, फेंडर के ऊपर मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, ओआरवीएम बॉडी कलर है, साइड में मिल जाएगी प्लास्टिक की एक क्लैडिंग ब्लैक कलर में, डोर हैंडल बॉडी कलर है, बी पिलर के ऊपर मिलेगा आपको ये टेप, ब्लैक कलर की टेप है, और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट ये मिल जाएगा ए पिलर के ऊपर, सिल्वर कलर की इसमें रूफ रेल दी गई है, और भाई यहाँ पे है ये फ्यूल फिलर कैप। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, यहाँ पे भाई आपको जो इसमें टेल लाइट मिलेगी वो पूरा हैलोजन सेटअप है, और ये बीच में कनेक्ट आपको बस ये दिखेगी, डिजाइन है ये, जलेगी नहीं, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है। यहाँ पे ये भी हैलोजन बल्ब है, ये भी हैलोजन बल्ब है, और ये जो इसका टर्न इंडिकेटर है ये भी हैलोजन है। यहाँ पे नीचे हैलोजन ये बैक गियर के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे है रिफ्लेक्टर, और भाई यहाँ बम्पर के ऊपर ये मैट ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा, दो इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, नीचे मिल जाएगी ये मैट सिल्वर कलर की इसकी स्किड प्लेट, वेन्यू यहाँ पे लिखा गया है, ये हुंडई का लोगो, और भाई इसका जो बूट है वो ओपन हो जाएगा यहाँ से, इस पे मैग्नेट के बटन ये दिया गया है। यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलेगी, और नीचे यहाँ मिल जाएगा इसका ये स्पेयर व्हील। इसका साइज बताऊँ तो 195/65 सेम साइज का इसमें आपको ये स्पेयर व्हील इसका मिलेगा। इसमें ऊपर यहाँ पे भाई डिफोगर दिया गया है, वाइपर वॉशर नहीं है, हाई स्टॉप लैंप ये है, सार्कफिन एंटीना, स्पॉइलर भी नहीं मिलता भाई इस वाले वेरिएंट में। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, की होल यहाँ पे मिलेगा। अब ये देखो भाई, सबसे पहले इसका डोर पैनल ही दिखा दूं, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, पूरा ब्लैक कलर का यहाँ पे प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे ये लाइट कलर मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस ये दिया गया है, 4 पावर विंडो के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम है, फोल्डेबल नहीं है, यहाँ पे ट्विटर दिया गया है, ये इसका डोर ओपनर, और नीचे यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, ये बोतल होल्डर यहाँ पे दिया गया है। अब इसकी सीट दिखा दूं तो भाई ये पूरा फैब्रिक यहाँ पे आपको सीट मिलेगी, डिजाइन ये इस टाइप का है, ड्यूल टोन में है, ये भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है। अब चलते हैं भाई इसके डैशबोर्ड की तरफ, डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखा दूँ पहले, जो इसका ब्लोर उसकी स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ। तो ये देखो इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन, पूरा ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, थोड़ा रफ सा ये टेक्सचर इस पर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसमें टच ये म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे भी सिल्वर टेक्सचर मिलेगा, और भाई यहाँ पे मिल जाएगा ये पियानो ब्लैक, हैजार्ड लाइट का स्विच, म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे फिजिकल बटन इसमें दिए गए हैं, और ये इसका भाई मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिलेगा, यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, और ये यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर दिया गया है गियर नॉब की साइड में, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दो कप होल्डर दिए गए हैं, ये मैनुअल इसका हैंड ब्रेक, और ब्लैक कलर में मिल जाएगा इसका गियर नो, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इसमें मिलेगा। अब स्टीयरिंग की बात करूं तो भाई पूरा राउंड शेप में है, यहां पे सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट की बात करूं तो भाई टिल्ट है, टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, यहां पे मिल जाएंगे जो इसका MID है उसके लिए कंट्रोल, और यहां पे मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के लिए, यहां पे वाइपर के लिए स्ट्रोक दिया गया है, यहां पे हेडलैम्प के लिए ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें मिल जाएंगे, हेडलाइट लेवलर यहां पे है, आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ये दिया गया है, और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। इसके क्लस्टर की बात करूं तो ये भाई आपको पूरा यहाँ पे डिजिटल मिलेगा, यहाँ पे ये इसमें स्पीड शो करेगा, यहाँ पे ये RPM शो करता है, बीच में MID है, यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा, ये ओडोमीटर, यहाँ पे इसमें फ्यूल शो करेगा, और ये टेम्परेचर शो करेगा, ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, बाकी चीजें चेक करने के लिए ये दिया गया है, इसको जैसे प्रेस करूंगा मैं तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो शो करेगा, नीचे यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, सिंस रिफ्यूलिंग और एक्यूमुलेटेड इन्फो, यूजर सेटिंग, ये सेटिंग के आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे, और भाई यहाँ पे TPMS भी इसमें शो करता है। ये हो गया इसका क्लस्टर, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले इसमें मिल जाएगा। मेन्यू में जाकर देखूं तो फोन है, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, व्हाइट मोड, मैनुअल सेटिंग, ये इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, और भाई ये है इसका इंटरफेस, ऊपर यहाँ पे डिमिंग IRVM इसमें दिया गया है, और इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है। ये इसका ग्रैब हैंडल, यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये यहाँ पे दिया गया है इसमें माइक, और भाई यहाँ पे टिकट होल्डर इसमें नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, और भाई यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स इसमें दिया गया है वो कूल्ड नहीं है। ये हो गया भाई इसका फ्रंट। अब बात करते हैं सेकेंड रो में, तो ये देखो भाई पीछे वाला डोर सेम थीम पे है, वही ड्यूल टोन मिल जाएगा, यहाँ पे लाइट कलर ये पूरा यहाँ पे ब्लैक है, ये भाई इसका डोर ओपनर, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे दिया गया स्पीकर, नीचे यहाँ पे बोतल होल्डर। सीट की बात करूँ तो भाई फैब्रिक है सेम वही जैसे फ्रंट में था, वही ड्यूल टोन इसके ऊपर आपको ये डिजाइन मिलेगा, ये ब्लैक और यहाँ पे लाइट कलर मिलेगा, 3 एडजस्टेबल इसमें ये हेडरेस्ट दिए गए हैं, और भाई यहाँ पे आपको 60/40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलेगा, 3 सीट बेल्ट दी गई है, बीच वाली भी इसमें आपको 3-pointer सीट बेल्ट मिलेगी, और यहाँ पे आइसोफिक सीट के लिए हुक भी इसमें दिए गए हैं। बैठ के दिखा दूँ एक बार तो भाई ये देखो स्पेस की कोई
कमी नहीं है यहाँ पे, इतना यहाँ पे मेरे को नी स्पेस मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, और भाई सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा ऊंचा है तो इसकी वजह से सेंटर वाले बंदे को दिक्कत आएगी। दो बंदे बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ पाएंगे और भाई साथ में बीच में बच्चा बैठ जाएगा। टाइप सी यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, दो पीछे वाले एसी के वेंट, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी स्पीड नहीं एडजस्ट कर सकते। और भाई आगे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आर्म रेस्ट भी दिया गया है, सॉफ्ट टच है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे स्पेस भी मिलेगा। इसको आप स्लाइड नहीं कर सकते, फिक्स है, लेकिन स्पेस मिल जाएगा अंदर इसके ऊपर। यहाँ पे इसमें लाइट दी गई है येलो कलर की, यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी ये हुक के साथ दिया गया है। सीट के पीछे यहाँ पे कोई भी इसमें पॉकेट्स नहीं है। हाँ भाई, इस साइड मिल जाएगी, जो ड्राइवर साइड की सीट है उसके पीछे यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं है। बाकी सीट का कंफर्ट तो मैंने बता ही दिया, कंफर्टेबल है, कुशनिंग अच्छी खासी दी गई है, पूरी गद्देदार पूरी कंफर्टेबल इसमें सीटें आपको ये मिल जाएंगी। अब चलते हैं भाई इसके इंजन की तरफ और बात करते हैं इसकी कीमत की और इसकी इंजन पावर की। यहाँ से होगा इसका इंजन भी ओपन। ये देखो भाई इसका इंजन 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलता है। इसकी पावर की बात करूं तो 82 bhp की इसमें आपको पावर मिलेगी और भाई 114 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। माइलेज वगैरह भाई पेट्रोल इंजन है, जैसा आप इसको यूज करोगे, जिस तरह से आप इसको ड्राइव करोगे वैसे निकालोगे, वैसे भाई 15-16 की माइलेज आराम से निकाल देती है। और इसमें आपको डीजल का ऑप्शन भी मिलेगा, टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी भाई वेन्यू में नहीं मिलती, सीएनजी के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, अभी नई लॉन्च हुई है तो आप भाई वो भी ले सकते हैं। तो ये था वेन्यू का एस वेरिएंट। इसकी कीमत की बात करूं तो 8,94,000 रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है। बाकी भाई ऑन रोड कीमत आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं, क्योंकि वो भाई हर एक शोरूम पे हर एक सिटी में अलग अलग होती है। तो ये था भाई वेन्यू का एस वेरिएंट, आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।